छोटी सी जगह तो है नहीं जो कि सिर्फ एक ही जगह से ऑपरेट हो रही है, कोई दुकान टाइप तो है नहीं है, ढाबा टाइप कि आपसे गलती हो गई हो। भाई इतना बड़ा ब्रांड है आपका। गलत ही लग रहा है मुझे ये। अल्लाह, ये भी ये वो है ही नहीं चीज यार। नवरात्रि स्पेशल इन्होंने क्या भेजा है ये देखना, खुशबू भी बड़ी अलग सी आ रही है। ओ ये क्या है? अल्लाह, ये तो बहुत गलत है, ये चीज मुझे सही नहीं लगी है। मतलब अगर कोई बंदा गलती से मंगवा ले पूरा का पूरा बॉक्स, तो क्या वो क्या करेगा? मतलब वो उसके तो पैसे वेस्ट ही हो जाएंगे ना। जय माता दी। तो आज एक और ब्रांड लेकर आ गए। हमने आपसे यार प्रॉमिस करा था इस पूरे नवरात्र हफ्ते में हम लेकर आएंगे आपके लिए अलग अलग तरीके की नवरात्र थालिया। थालियां, ताकि आप देख सके आपको कौन सी सही रहेगी। आज उसी में हम एक और एडिशन करने वाले जो कि है बारबेक्यू नेशन बार्बेक्यूनेशन। से, और उसमें दिखाएंगे आपको कि उसमें हमें क्या मिलने वाला ये है। थाली नहीं, एक तरह का बूफे होने वाला है, और इसमें काफी सारी हमें आइटम्स मिलने वाली बहुत है। सारे आइटम्स, आपको पता ही है यार कि बारबेक्यू नेशन जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के फाड़ आपको के देता रखता है। है, तो बॉक्स करते हैं अनपैक। लेकिन उससे पहले आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब, हम इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी है, तो वहां पे उसमें भी भी आप आप लोग हमारा फॉलो पेज कर फॉलो कर सकते सकते हैं। हो। यार इसमें ना काफी कुछ है, मतलब पैकिंग जो होती है ना बारबेक्यू नेशन की, एक नंबर होती है बिल्कुल यार। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अच्छी पैकिंग मुझे लगता नहीं कि कोई और करता कोई है। और करता है यार। एक्चुअली बॉक्स भी काफी बड़ा होता है और ना स्लॉट्स दे रखे होते हैं अलग अलग। हर एक चीज के अपने अपने स्लॉट्स होते हैं, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं गिर सकती तो यार है। हम ना अब इसको वो वाला हम नहीं करेंगे, टाइम लेते हैं, क्योंकि यार ये सब बातें आपको पता है। ये वाला जो हमारा एक व्लॉग होने वाला है, ये साफ और साफ आपको बताएगा कि नवरात्र थाली में बारबेक्यू नेशन से हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऐसे बॉक्सेस आपने भी मंगाए होंगे अपने घर में यार। चलो सबसे पहले तो यार इनका जो एपेटाइजर ऊपर होता है, जो स्वीट्स, उसमें एपेटाइजर देखते हैं नवरात्रों में ये हमें क्या देने वाले हैं। ये देखिए, तो पांच तरह के यहाँ पे आ गए हैं बॉक्स, पांच तरह के, ये छोटी अपना छोटी छोटी। यार एक में तो ये हरी वाली चटनी आ गई है, नवरात्रों में खा सकते हैं ये। हरी वाली चटनी तो खा सकते हैं। ये क्या है? ये क्या दिया हुआ है? वहां से खुलेगा। ये तो मेयोनीज टाइप लग रही है, देखना मेयोनीज मेयोनीज लग है। रही है ना। मेयोनीज खा सकते हैं? मेयोनीज खा सकते हैं क्या नवरात्रों में? हरी वाली मुझे चटनी तो सही लगी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन देख लो यार, कितने प्यारे लग रहे हैं और छोटे छोटे से लग रहे जो हैं। इनके छोटे गुलाब जामुन होते हैं, गुलाब अगर आपने जामुन तो खाए हो खाते ही है नवरात्रे तो में। आपको पता ही तो यार होगा, मुझे तो लग रहा है आगे ना और चीजें ना इसमें बहुत ही बढ़िया बढ़िया आने लेकिन वाली ये है। मुझे ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। हलवा है, हलवा तो है लेकिन हलवा, अच्छा हलवा एक वर्त में होता है ना जो कुट्टू के आटे का होता है, शायद से ये वो ना हो। पर ये तो मूंग के दाल का लग रहा है, देखना खुशबू आ रही है ना, मूंग के दाल का लग रहा है। और ये क्या है? मुझे ये इतना तो पता है कि नवरात्रों में यार अन्न तो नहीं खाते हैं। ब्राउनी ब्राउनी? ये नवरात्रा थाली ऑर्डर की है क्या तुमने? हाँ, अगर आप भी देखोगे ना बारबेक्यू नेशन जाओगे अगर आप ऑनलाइन, तो फिर वहां पर आप देखोगे कि उनका नवरात्रे स्पेशल करके भी है। ये काफी सारे ये बॉक्सेस आ गए यार हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है ये। मुझे ना हलवा देख के तो लग रहा था कि शायद से जो कुट्टू के आटे का होता है ना और व्रत में खाते वो वाला होगा, लेकिन ये ना मूंग की दाल का है, साफ खुशबू से ही पता चल रहा है। आगे देखते हैं, तो जल्दी से उसमें देखते हैं। तुझे और वैसे क्या लगता है, ब्राउनी खा सकते हैं नवरात्रों में? ब्राउनी थोड़ी ना खा सकते हैं, मुझे तो हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा कि ये क्या चल रहा है। अरे मेरे में देखो क्या है, फिंगर्स आई हुई हैं, वेजी फिंगर्स होती है ना वो वाली है इसमें। यार अगर मतलब ये गलत है यार, इतना बड़ा ब्रांड और ये और वेजी फिंगर्स हैं, दो पीसेस। मतलब कि ये तो व्रत में खाने वाला है ही नहीं। ये देखना इसमें गाजर डल रखी है, ये कोर है डल रखा है। पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल आ गया जैसा कि वहां पे मिलता है अगर आपने बूफे खाया हो तो। पाइनएप्पल तो फ्रूट्स वगैरह ये तो खाया जा सकता है पाइनएप्पल तो, पाइनएप्पल तो लेकिन खा इसके सकते ऊपर हैं, शहद वगैरह लेकिन लगा रखा है। हाँ पता नहीं शायद खाते हैं कि नहीं। इधर आ गए जी कबाब, कितने पीस ये हैं? मुझे तो थाली नहीं लग रही है वर्त वाली, ऐसी थोड़ी ना चीजें होती है उसमें, ये तो कुछ अलग ही है। पीनट वगैरह तो डल रखा है, लेकिन बीट रूट डाल रखी है, चुकंदर तो खाते ही नहीं वर्त में इतना मुझे लगता है। गलत थाली है क्या ये? गलत ही लग रहा है मुझे ये। अल्लाह, ये भी ये वो है ही नहीं चीज यार। नवरात्रि स्पेशल इन्होंने क्या भेजा है ये देखना, यहाँ पे आ गया जी ये ये क्या? छल्ली। कॉर्न?
कॉर्न भी नहीं खा ग्रिल सकते करके। कॉर्न भी नहीं खा सकते, वो भी अन्न होता है एक्चुअली। ये क्या है यार, ये क्या भेजा है, ये कोई नवरात्रे का थोड़ी ना सामान है। हद होगी यार, ओहो नेक्स्ट डिश देख लोगे तो वो तो आप हैरान ही हो जाओगे। कटर लेना चाहिए था यार, दीप खुल भी नहीं रहा ठीक से। ये समोसे आ गए व्रत में खाने के लिए। ये नवरात्रे का बुफे है क्या चल रहा है ये? ये पनीर टिक्का। अभी आगे देखती हूँ जरा, क्या पता इनमें कुछ हो व्रत का। ये तो हमें उन्होंने पूरा का पूरा जो एक इनका बॉक्स जो होता है होम बॉक्स हो, घर के लिए जो इनका बॉक्स होता है वो, उसमें जो भी डिशेस होती हैं वो ही सब दे दिया हमें। नवरात्रे तो मुझे लग ही रहा है नवरात्रे स्पेशल कहीं से भी नहीं है। खुशबू भी बड़ी अलग सी आ रही है। ये क्या है? ये तो बिरयानी है। ये क्या मतलब है यार? चावल है ये, व्रत वाले चावल है ही नहीं है। ये नवरात्रे स्पेशल कहाँ है? और जब तुमने ऑर्डर किया था तो क्या आ रहा था वहाँ पे नवरात्रे स्पेशल? ये तो बहुत गलत है, वहां पे नवरात्रे स्पेशल आ रहा था तो इसका मतलब तो जितने भी आम लोग होंगे उनको तो यही लगेगा ना कि उसमें नवरात्रे का ही मिल रहा है सामान। लो मिक्स वेज आ गई है, ये देख लो आगे भी यही सब होगा इसमें जितने भी बॉक्स रह रहे हैं। यार मतलब अगर आप, आपका इतना बड़ा ब्रांड है ना तो मैं ये बोलूंगी अगर आपका मेन्यू वगैरह आपने वहां पे दे रखा है ना जोमेटो पे किसी पे भी दे रखा है तो आपको वहां पे ना नवरात्रि स्पेशल नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है इसमें से हमारे से गलती हुई है। एक मिनट दोबारा देखता हूँ यार, है तो देखो नवरात्रि स्पेशल ही, इतना तो मेरे को पूरा पता है अच्छे से। और अभी तो शुक्र है कि हमारा व्रत नहीं है तो हम ये चीजें खा लेंगे, लेकिन अगर व्रत होता फिर तो हमारे 919 रुपए पूरे के पूरे वेस्ट जाते। और आजकल तो दिल्ली NCR में ऐसा पूरा हाल चल रहा है ना। ये क्या है? दाल मखनी है। दाल मखनी भी दी है। एक बात और जो मेरे को लगता है कि अगर आप बोले गलती से उस, ओहो लच्छा परांठा आ गया जी, ये देख लो लच्छा परांठा। देखो बारबेक्यू नेशन का जो स्वाद है ना, टेस्ट जो है वो तो हर किसी को पता होगा, एक नंबर होता है। लेकिन ये जो चीजें भेजी गई है ये बहुत गलत है यार, ये चीज मुझे सही नहीं लगी है। मतलब अगर कोई बंदा गलती से मंगवा ले पूरा का पूरा बॉक्स तो क्या वो क्या करेगा? मतलब वो उसके तो पैसे वेस्ट ही हो जाएंगे ना। वहां पे लिखना ही नहीं चाहिए था नवरात्रि स्पेशल। इवन कि मैंने भी देखा था जोमेटो पे, वहां पे लिखा आ रहा था पनीर है। हद होगी यार, दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, यहाँ पे बिरयानी आ गई है, मूंग दाल का हलवा आ गया है। मतलब हर तरह की चीज उन्होंने दी है जैसे कि वो हमेशा देते हैं अपने बुफे में। ये देख लीजिए नवरात्रि स्पेशल। अब ये जैसे नवरात्रि स्पेशल है तो अगर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ तो है तो इनका एक ही जो बुफे बोलो या थाली बोलो 969 रुपए की इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है। अच्छा अब यहाँ पर ना जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो चीजें तो काफी सारी हैं ही हैं, लेकिन इसमें ना इन्होंने अब कंटेंस गार्लिक ऑनियन लिख दिया है। जब मैंने पहले देखा था तो या तो हो सकता टेक्निकल ग्लिच हो सकती है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, तो उस टाइम नहीं लिखा रहा था ये, क्योंकि अच्छे से मैंने पढ़ के ही ये ऑर्डर करा था। लेकिन अगर एक चीज देखी जाए ना, जो इनका ये बारबेक्यू ना बॉक्स आ रहा है ना उसके ऊपर जो नवरात्रि स्पेशल आ रहा है ना वो एक सब हेडिंग में आ रहा है, बढ़िया से चमक रहा है। लेकिन उसके नीचे जो आ रहा है ना कंटेंस अनियन एंड गार्लिक वो बहुत ही ना हल्का लाइट फॉन्ट में है। किसी के पास अगर ज्यादा टाइम नहीं होगा ना तो वो जल्दी से इसको ना सिर्फ ऑर्डर कर देगा, वो इतना कुछ पड़ेगा नहीं कि उसमें क्या मिल रहा है। नहीं शायद पड़ेगा भी, लेकिन जहां तक मेरे को पक्का पता है क्योंकि मैं बिना पढ़े ना ऐसे ऑर्डर नहीं करता हूँ। पहले तो बात 969 रुपए कोई छोटी बात तो है नहीं, ऊपर से जब मैंने ऑर्डर करा तो श्योरली यहाँ पे कंटेंस गार्लिक ऑनियन नहीं था, तो यार ये चीज तो मुझे तो सही नहीं लगी है ये चीज। लेकिन ऊपर नवरात्रि स्पेशल क्यों आ रहा है यार, ये तो कोई सेंस नहीं बना ना। नवरात्रि स्पेशल में आप क्या अनियन और गार्लिक दे रहे हो? अगर आप ये देखो कि यार आइटम्स तो सही में बहुत सारे हैं और काफी अलग तरीके। अब पता नहीं ये नवरात्रि स्पेशल सही में ये करके, क्योंकि ये जो है ना समोसे इनके मैंने पहले कभी नहीं देखा। पहले मैंने भी नहीं देखे, कई बार हम बारबेक्यू नेशन गए वहाँ पे ऐसे समोसे नहीं देखे। इवन की जो वेज वाली फिंगर्स है ना वेज ये भी नहीं, और ये चुकंदर वाला कबाब, चुकंदर बीटरूट कबाब भी मैंने कभी नहीं देखा। तो यार अगर देखो हर काफी लोग बोल सकते हैं एक टाइम के लिए हमारे भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज है कि क्या पता गलती से हो गया, लेकिन यार ये ना कोई ऐसी एक शॉप नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे होगी। ये इतना बड़ा एक ब्रांड है जो, ये क्या है? प्याज।
अगर देखो अब लिखा हुआ आ रहा है ना उसमें कंटेन अनियन एंड गार्लिक, तो तब तो चलो मान सकते हैं, लेकिन जब हमने ऑर्डर किया ऊपर, लेकिन नवरात्रि स्पेशल का कोई वो सेंस नहीं बनता ये यार। गलत है यार ये बहुत ज्यादा, क्योंकि नवरात्रि के साथ आप इस चीज को नहीं जोड़ सकते वैसे। डाला गई अभी कुछ दाल टाइप भी लग रहा है या क्या यार, वो नहीं स्पून भी नहीं दिए। हाँ स्पून शायद उधर है, स्पून वो उसमें व्हाइट वाले में पड़ा है। लेकिन मतलब मैं यही बोलूंगी कि यार टेस्ट वाइज देखा जाए तो काफी अच्छा, लेकिन हमारे साथ तो एक तरह से ये गलत ही हुआ ना। टेस्ट वाइज इसलिए बता रहे क्योंकि हमने पहले टेस्ट कराया, अभी तक टेस्ट भी नहीं करा इसको हमने। यार टेस्ट कर भी लोगे तब भी एक नंबर ही होगा, बारबेक्यू नेशन बहुत बड़ा ब्रांड है यार। लेकिन मतलब जो मुझे चीज यही, इन्होंने साथ में मतलब इतना बड़ा ब्रांड है, बिरयानी के साथ इन्होंने कड़ी भी दी हुई है, जो हमसे कहते हैं ना सालन होता है बिरयानी के साथ, वो भी दिया हुआ है। मतलब कितनी अच्छी चीज दे रखी है। लेकिन जो मेन मुद्दा वो यही है कि यार नवरात्र स्पेशल नहीं है यार ये, एक तरह से मैं तो ये बोलूंगा ये ठगी हो गई है कि 969 रुपए का सामान खरीद ले कोई हमसे, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। लेकिन आपने यार नवरात्र स्पेशल है आपने ना यार, नहीं क्योंकि यार इतना बड़ा ब्रांड है, आप नवरात्रों का खाना भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि, मैं यही बोलना चाह रहा था कि छोटी सी जगह तो है नहीं जो कि सिर्फ एक ही जगह से ऑपरेट हो रही है, कोई दुकान टाइप तो है नहीं है, ढाबा टाइप कि आपसे गलती हो गई हो। भाई इतना बड़ा ब्रांड है आपका, बोलते हो आप दुबई में भी आपने खोल लिया है, अब आप आउट ऑफ इंडिया भी अपने जो फ्रेंचाइजीज हैं जो लोकेशन है वो खोल रहे हो, तो आपकी पूरी टीम है एक आपके साथ यार, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऐसी कोई गलती हो गई हो। नहीं मेन इनकी ये मैं बात बोलूंगी, इनका बुफे वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन वहां पे जब नवरात्रि स्पेशल है ना वो नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से हो सकता है हमारे से भी गलती हुई है। लेकिन कोई और भी अगर बंदा होगा ना, वो भी अगर देखेगा नवरात्रि स्पेशल, तो उसके दिमाग में एक बार जरूर आएगा कि शायद से नवरात्रि का फूड है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो पे वर्क किया था जो हल्दीराम ओम स्वीट्स की थी, वहां पे 450 रुपए की थाली थी हल्दीराम की, तो वो एक पर्सन की थी। इनका जो बुफे है वो चार को इजिली कवर हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ जाती है नवरात्रि स्पेशल, यहाँ पे कुछ भी नवरात्रि जैसा स्पेशल कुछ मुझे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि वैसा फूड ही नहीं है नवरात्रि में खाने वाला। अब बंदा ये रोटियां दी है तो एक कुट्टू की आटे की रोटी प्रॉपर होती है तो वो बंदा खाता है, व्रत में तो बंदा वही खाता है ना, तो कोई सेंस नहीं बना यार, ये थोड़ा गलती हुआ है। लेकिन नवरात्रि मैं तो ये बोलूंगी नवरात्रि स्पेशल कुछ नहीं है, आपको वो हटाना चाहिए, वो बिल्कुल सेंस नहीं बनता। अगर आप यार ये तो हमारी देखो मतलब हम आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये खाओ, आपको खुद भी पता ही होगा आपने नहीं खाना ये। साथ ही अगर आपको फिर भी देखनी है थाल, वो तो आप सभी ने करा होगा। हाँ। वो तो मेरे को पता ही है, बारबेक्यू नेशन बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत अल्टीमेट आ रही है। अगर आप नवरात्रि थाली खाना चाहते हैं, हमने अब तक 3 थालियां रिव्यू कर दी हैं, एक चाय हाउस की थाली करी है, एक हल्दीराम और ओम स्वीट्स, हल्दीराम ओम स्वीट्स हमने कंपैरिजन करा है, आप देख सकते हैं वो हमारी सबसे ज्यादा रीसेंट वीडियो है यार, दो मस्ताने चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं, एक लिंक भी हम ऊपर दे देंगे हल्दीराम और ओम स्वीट्स के कंपैरिजन वाला ही लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको, तो आप वो देख सकते हैं यार। तो यार ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे अब क्योंकि टेस्ट आपको पता है कैसा होता है, और बस मतलब खराब हो गई है वीडियो क्योंकि हमने भी यही सोचा था कि रिव्यू करेंगे जो नवरात्रि का फूड आएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नवरात्रि वाला फूड ही नहीं आया, तो अब यही कहेंगे कि इसी के साथ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, मतलब आपको कैसा लगेगा? तो अभी लास्ट में यही, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं हो पाया इस वीडियो में, तो मतलब क्या ही करेंगे अब इसका, तो इसी के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना, डू वॉश डू मस्ताने गाइस।